यह ऐतिहासिक निर्णय पहली बार भारत की धरती पे किसी राजनीतिक पार्टी ने ली है और उसी क्रम में हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी कि इसको आगे बढ़ाएं। जनजन तक मुख्यमंत्री की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं सवर्ण प्रकोष्ठ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के लिए किए गए काम और उनकी योजनाओं जनजन तक पहुंचाने का तमाम कोशिश पे कोशिश लगातार बैठक में कर रहे हैं और साथ ही जनजन तक मुख्यमंत्री की योजना को पहुंचा रहे हैं। सवर्ण प्रकोष्ठ भी अपने संगठन का विस्तार गाँव और पंचायतों में कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के कार्यों को पंचायत स्तर तक पहुंचाया जा रहा है। सवर्ण प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष राहुल सिद्धार्थ ने बताया कि संगठन का विस्तार पंचायतों में किया जा रहा है। तमाम पंचायतों प्रखंडों में अधिकारियों नियुक्त की जा रही है जो कि जनता दल और मुख्यमंत्री के कार्यों और जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। हमने बहुत ही समय लेके अच्छे अच्छे लोगों का चयन करके हमारे अध्यक्ष जी ने काफ़ी मेहनत की उसके ऊपर। पूरे बिहार में करीब 5000 लोगों से हम लोगों ने संपर्क साधा और उसके बाद उसमें से हमने चयन करके शॉर्टलिस्ट करके आज दूसरी सूची निकाल रहे हैं हम, जिसमें विस्तृत सारे जिलों को हमने कवर कर लिया है। सारे जिलों का जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी का हमने एक्सपेंशन किया है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, महासचिव बनाए गए हैं, सचिव बनाए गए हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। और हमारा बस यही उद्देश्य है कि ये सारे लोग जो आप जुड़े हैं, अब हमें जो करना था हमने फॉर्मेशन कर दिया, हमने गठन कर दिया। अब ये सारे लोग एक सूत्री कार्यक्रम में लग के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो भी जन योजनाओं का काम किया है उसको बूथ तक गांव-गांव तक पहुंचाए ताकि सवर्ण समाज जो नहीं जान पा रहा है कि उनके लिए क्या किया गया है क्या नहीं किया गया है उनको पता चले कि कितने लोग यहाँ पे उनके बारे में सोच रहे हैं। अगर नहीं सोचते तो पहली ऐसी पार्टी थी जिसने इतना बड़ा दाव खेला है, कोई करती ही नहीं। बाकी सर पार्टी सबके लिए करती है, ओबीसी के लिए करती है, एससी के लिए करती है, मुसलमानों के लिए करती है, सवर्णों के लिए कोई नहीं करती है। तो ये पहली पार्टी है, हमारा उद्देश्य इसी में है। और कल आपने देखा ही एक और ऐतिहासिक फैसला हुआ है, उसके लिए भी मैं सवर्ण प्रकोष्ठ को ही बधाई देना चाहूँगा। शायद आप लोगों को नहीं पता है, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये सेंटर से जो फैसला है नीट में आरक्षण का कि वो अचानक से हो गया है। आज से 4 दिन पहले हमारे अध्यक्ष जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह साहब से बात की कि जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है सवर्ण में उनको भी 10% आरक्षण मिलना चाहिए था। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया, उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया और आदरणीय मोदी जी के पास जाके ये प्रस्ताव रखा जिसपे कल मोदी जी ने अपना उस पर अनुमोदन कर दिया। और जो लोग नहीं समझ पा रहे उन्हें समझना चाहिए कि 15% सवर्णों की आबादी है उनको 10% आरक्षण दे दिया गया है। ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है और ये आने वाले समय में बहुत फायदा पहुँचाएगा। ये सवर्ण प्रकोष्ठ की पहली उपलब्धि है और आप सभी लोग भाई लोगों को मैं यही चाहूँगा कि आप हमारे इस विचारों को लोगों तक फैलाएं और हमारा सहयोग करें। मैं राहुल सिद्धार्थ, प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता, सवर्ण प्रकोष्ठ, जनता दल यू बिहार।